2019 में बीजेपी समेत एनडीए को मोदी नाम का सहारा है, तो वहीं तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हौसले बुलंद हैं और कांग्रेस को लगता है कि राहुल पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन जनता क्या सोचती है ये भी जानना जरूरी है। पीएम पद को लेकर न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में देश के अलग अलग शहरों में सर्वे किया, इसमें मुद्दे पीएम के चेहरे और चुनौतियों पर बात की गई। पीएम पद को लेकर हमने सवाल किया, 2019 में आप किसे पीएम पद पर देखते हैं? 47% लोग पीएम मोदी को पहली पसंद मानते हैं, जबकि 30% लोग सत्ता परिवर्तन के हक में और राहुल गांधी को पीएम पद पर पहली पसंद मानते हैं। वहीं 12% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएम पद के चेहरे को लेकर पत्ते नहीं खोले, जबकि 11% लोग अन्य के साथ। मुद्दों की विसात और चेहरे पर दाम चुनाव में अहम है। हमने पूछा कि क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सरकार कामयाब रही। इस सवाल के जवाब में 51% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 40% लोग मानते हैं कि करप्शन पर अंकुश नहीं है। वहीं 9% लोग ऐसे हैं जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते रहे हैं। इस मुद्दे को भी न्यूज नेशन ने सर्वे में शामिल किया। हमने पूछा कि राफेल के आरोपों में कितना दम है। 40% लोग मानते हैं कि आरोपों में दम है, जबकि 43% लोग राहुल के स्टैंड के साथ नहीं है। वहीं 17% लोग राफेल के मुद्दे पर कोई आकलन नहीं कर सके। प्रधानमंत्री मोदी या यूं कहें ब्रांड मोदी, बीजेपी कहती है कि विपक्ष के पास मोदी के कद के बराबर चेहरा नहीं है। इस दावे को भी न्यूज नेशन ने सर्वे की कसौटी पर परखा। हमने पूछा कि क्या मोदी के कद के बराबर देश में दूसरा नेता नहीं है। इस पर 55% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हाँ, मोदी के कद के बराबर दूसरा कोई चेहरा विपक्ष के पास नहीं है, जबकि 32% लोगों की राय इससे जुदा है। वहीं 13% लोग अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में साफ है कि 2019 के नतीजे चाहे किसी के पक्ष में आए, लेकिन सर्वे में मोदी का पलड़ा भारी नजर आता है। टीम न्यूज नेशन।